सब्सक्राइब करें हमारे इंजीनियरिंग आइडिया पॉइंट चैनल को और बेल बटन प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो अपलोड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा, आज आरआरबी जेई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ, जो 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुई थी फर्स्ट से सीबीटी 1 का। इसका सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज मैं बात कर रहा हूँ इसका आरआरबी जेई का, ठीक है, 2019। तो इसका सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न कैसे था। तो इसका दो बेसिस में बांटा गया था, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी टू। एक फर्स्ट स्टेज एग्जाम था एंड सेकंड स्टेज एग्जाम था। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेज एग्जाम था वो एग्जाम मेरा कंप्लीट हो गया, जो 22 तारीख से स्टार्ट था। तो अभी तक जितने सारे दोस्तों से बात किया, जितने सारे मैं अपने स्टूडेंट से बात किया कि कैसे क्या हो रहा है, कितना मार्क्स करके आओ, कैसे आए, तो मैं खुद बता रहा हूँ सारा का आंसर था कि मैं 70 पार किया हूँ, किसी का आंसर 80 पार किया हूँ। तो बहुत सारा मतलब इस कटअप को लेके बहुत सारे बातें हो रही है, तो मैं आज वही बताऊंगा कि सीबीटी 1 का जो कटअप है एक्चुअल में वो कितना जाने वाला है और कैसे इसका कैलकुलेशन था, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। अब थोड़ा सा भी ये नहीं हो, फर्स्ट एड नहीं हो कि मेरा मैं इतना करके आया हूँ तो कैसे होगा, मेरा ऐसे है, मैं जनरल से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आप बस ध्यान से जो क्वेश्चन करके आए हैं उस पे फोकस कीजिए और कितना है मैं अभी आपको कटअप एक्चुअल कटअप के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सीबीटी 1 के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी, तो सीबीटी 1 के लिए मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीबीटी 1 के लिए टोटल जो फॉर्म भर आई थी वो टोटल फॉर्म था 30 लाख का अप्रोक्स में, ठीक है। इसमें से टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म था कितना, 30 लाख के प्रॉक्स। इसमें से 5 लाख के प्रॉक्स में रिजेक्ट हो गया, समथिंग इशू, टेक्निकल इशू या रॉन्ग फिलअप डाटा के कारण इसमें से कम मिनिमम 5 लाख क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बचा कितना, 25 लाख। जो 25 लाख का फॉर्म सिलेक्ट हुआ एग्जाम के लिए, इसमें से जैसे आरआरबी जेई का मैक्सिमम का मैं बता रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी अपेयर हो रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो भी फिलअप किया है। तो उसमें क्या होता है कि जब जॉब कर रहे हैं वो बच्चा, तो वो मान लीजिए कि दिल्ली में है और उनका सेंटर पटना दे दिया, कलकत्ता दे दिया, तो उनको जैसे वहां पे लीव लगाने में प्रॉब्लम आया या समथिंग ट्रेन इशू, टाइम इशू ऐसा लेके, तो इसमें ये भी 25 लाख जो बच्चा है, ये भी 25 लाख बच्चा टोटल एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। इसमें से मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूं कि मात्र 80% बच्चा क्या किया, एग्जाम दिया, ठीक है। तो यहां से भी आपको अब कम गया, मात्र अब फाइट करना है हमको कितना में, 80% बच्चा में, बस अब हमको फाइट करना है कि अगर 80% इसका दिया है तो कैसे, अब बता रहा हूं जो ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, सीबीटी 1 के, जो अभी सबसे ज्यादा चर्चित है कि सर कितना कटअप जाएगा, कैसे होगा, मैं इतना कटअप करके आया हूँ, मैं इतना क्वेश्चन बना के आया, कोई 90 पार किया, कोई 80 पार किया, कोई 50 भी पार किया है, तो मैं उसी के लिए आज ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट समझा कि बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कैसे है जो मैं बता रहा हूँ। अब 80% में हम लोग कैसे फाइट कर रहे हैं जो, तो इसमें एक और टर्म आता है क्या, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो नॉर्मलाइजेशन होता है कि जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम हो रहा था तो वो शिफ्ट वाइज हो रहा था, मान लीजिए कि 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था जैसे हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, सेकंड का उससे इजी था, उससे इजी, उससे इजी, अगर ऐसा मैं मान लिया, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले का बच्चा का अगर मार्क्स इन लोग से कम आ रहे हैं तो एवरेज मार्क्स, ये ध्यान दीजिएगा एवरेज मार्क्स का मैं बात कर रहा हूं, एवरेज मार्क्स अगर इन लोग से कम आ रहा है तो इसको नॉर्मलाइज करके इन लोग के साथ ले आएगा, जैसे वो नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है 2 to 4 marks का, बस इतना से ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो मैं बता रहा हूं कि जब यहां पे 25% में 80% बच्चा में अब हमको फाइट करना है, तो आरआरबी जेई के तहत आप नोट्स पढ़े होंगे अगर आरआरबी जेई का, तो उसमें क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि वो 1:1:15 का रेशियो में वो सिलेक्ट करेगा, मतलब कि अगर 80% 25 लाख का 80% बच्चा अगर इसमें अटेम्प्ट किया तो उसको 1:15 का इस सीट को कैप्चर करेगा, मतलब कि पर सीट मेरा मिनिमम 189 स्टूडेंट
फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि जैसे एक चीज ध्यान दीजिए, आरआरबी सिर्फ ये नहीं बोला है कि मैं कोलकाता के लिए, दिल्ली के लिए, अजमेर के लिए, ये बस कोई ऐसा फिक्स नहीं निकाला है, वो बोला ऑल ओवर में। तो ऑल ओवर में जरूरी नहीं है कि हर जगह का बच्चा उतना ही पढ़ा या हर जगह उतना ही एग्जाम पढ़ा। टोटल आरआरबी जेई के अनुसार से 2 लाख बच्चा क्वालिफाई करेगा सीबीटी 1 से, जो सीबीटी 2 का एग्जाम दे सके। ठीक है, तो मैं अब इसके बारे में बता रहा हूं कितना बच्चा सिलेक्ट होगा, ओनली 2 लाख। कितना में? इतना का 80% अगर उतना से जो आता है उसमें से ओनली 2 लाख बच्चा सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा। और जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा उसका मैं कटअप एक अप्रोक्स कटअप बता रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है, आप ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत मतलब ऐसे मेरे अनुसार से फिक्स ही है। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे देखिए कि सबसे फर्स्ट अगर आता है कि जनरल कैटेगरी का सर कट ऑफ क्या आ जाएगा, ठीक है, फिर ओबीसी का कट ऑफ क्या आ जाएगा, एससी का क्या आ जाएगा, एसटी का क्या आ जाएगा। तो अगर इस साल का जो क्वेश्चन था आरआरबी जेई का उसके तहत अगर देखते हैं तो जैसे बता रहे जितना भी 70 कट ऑफ ऊपर जाएगा, 80 जाएगा, ऐसे वैसे वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर जनरल का कट ऑफ जाएगा भी तो 55 to 60 का, क्योंकि जब एक होता है कट ऑफ का भी एक बेस होता है कि कैसे वो नॉर्मलाइजेशन जो अभी बता रहे थे उस पर वो डिपेंड करता है, कि जरूरी नहीं है कि एक बच्चा 90% लाता है, 90 अटेम्प्ट करता है तो सारा बच्चा 90 अटेम्प्ट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लोग एवरेज देखते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 55 से आप एवर किया है तो समझिए सीबीटी 2 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन फाइट देखा जाएगा, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए ओबीसी के लिए है तो सिमिलरली तरीका से 50 to 55, अगर ओबीसी वाले भी यहाँ पे अगर वो 50 से एवअप कर चुके हैं तो आज से ही जाके मैं बता रहा हूं, अभी सब बच्चे इसी में बिजी है कि सर सीबीटी 1 का क्या आएगा, सीबीटी 1 का कटअप कैसे पार होगा, कितना रहेगा, वो उसको छोड़िए और सीबीटी 2 में लग जाइए आप। अगर एससी एसटी का देखा जाए तो वही 47 से 50 के बीच में अगर आता है, 40 इसका एसटी का ले लेते हैं तो 40 से जब एवअप होता है तो समझिए सीबीटी 2 के लिए वो क्वालिफाई है। और एक्चुअल जो फाइट होगा वो फाइट यहीं पे होगा, जो आरआरबी का मेन फाइट है वो यहाँ पे होगा सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बेस है, यहाँ पे जो आपका ये लाइन है जनरल 55 है तो आराम से सीबीटी के लिए क्वालिफाई है, देख लीजिए आपका ये एक्चुअल क्या है, डाटा है। ठीक है, अब यहां से मैं जो बताने जा रहा हूं कि सीबीटी 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन फाइट जो भी मैं बता रहा हूं आरआरबी जेई के लिए वही से होगा, क्योंकि देखिए जैसे मैं ज्यादातर अगर बात कर स्टूडेंट से तो वो जॉब कर रहा है, तो जॉब करते हुए उनसे क्या हो गया कि आपका टेक्निकल से रास्ता टूटते जा रहा है। ठीक है, मैं भी कुछ दिन जॉब किया हूं और कर भी रहा हूं, उसी पे मैं बता रहा हूं कि उससे क्या होता है टेक्निकल से वो हटते जा रहा है, तो वहां पे उस बच्चे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। थैंक यू दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और क्या क्या आरआरबी जेई में 72 के लिए मैकेनिकल के लिए क्या क्या पढ़ना होगा स्पेशली, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।